क्या मेडिटेशन करने से सच में कोई सुपर पावर मिलेगी या फिर बस केवल ये सब बकवास है? कि आप सच में अलौकिक शक्तियां पाना चाहते हो तो आप बस केवल अपने लाइफ के 2 महीने मेरे द्वारा बताए गए टेक्निक पर लगा दीजिए। यानी कि मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो में, आपको 2 महीने तक प्रैक्टिस करनी है बस। अगर आप बस केवल इस वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर जो आपको सुपर पावर चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ अनोखा करना होगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया। तो क्या आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं? नहीं। अगर करते भी हो ना तो 5 से 10 मिनट, बट इससे काम नहीं चलने वाला, और वो भी हर रोज नहीं करते, कभी कभार। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको कोई सुपर पावर तो मिलेगा नहीं, प्लस आपके माइंड पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो करना है तो डेली करो, वरना करो ही मत। क्या फर्क पड़ता है बिना सुपर पावर के अपने जीवन में? वैसे भी तो लाइफ चल ही रही है ना। तो गाइस, अगर जो मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो गाड़ी रुक रुक के चलती है ना, तो वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती। जो एक स्पीड से चलती है वो दूरी ज़्यादा तय कर पाती है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो आपने कभी ना कभी एक कहावत तो सुनी होगी कि जितना आप चीनी डालोगे ना, चाय उतनी ही मीठी होगी। तो आप जितना मेडिटेशन करेंगे आप उतना ही सुपर पावर पाने के करीब होंगे। बट इसका मतलब यह नहीं कि आप जो सुपर पावर सोच रहे हैं कि टेलीकिनेसिस होने लगेगा, आप हवा में उड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि इन सभी चीज़ को करने के लिए आपको विजुलाइजेशन चाहिए, और विजुलाइजेशन जैसा हम लोगों को लगता है इतना आसान है, वो उतना आसान नहीं है। केवल सोचने से विजुलाइजेशन नहीं होता है, उसकी अनरियलिटी को रियलिटी में फील करना होता है। यानी कि एक्चुअल की रियलिटी एक क्रिएट करनी होती है जो कि सच में पॉसिबल हो उस टाइप से। बट आपको ये खुद जाना चाहिए कि मेडिटेशन करने के खुद में ही उसके अनगिनत फायदे हैं, मगर कोई इसे करता नहीं। जब इसको कोई करेगा नहीं तो उसको सुपर पावर कैसे मिलेगी? तो गाइस, आपको सुपर पावर पाने के लिए डेली 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 मेडिटेशन करना होगा। जैसे कि आप आज 2 मिनट कीजिए, फिर कल 4 मिनट, फिर परसों 6 मिनट, फिर उसके बाद 8 मिनट, फिर 10, 12, 14, 16, मीन्स इस टाइप से आप मिनट को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते। तो गाइस, जब आप मेडिटेशन करें और आप जब मेडिटेशन के पोज में हो तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने सांसों पर ध्यान देना है, और रेगुलर अपना जो टाइमलाइन है 2, 4, 6, 8 इस टाइप से आप बढ़ाते जाइए। और 2 महीने में जब ये टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो जाए, मतलब एक टाइम बाद आएगा कि 1 घंटे, बट आपको आधे घंटे रेगुलर करना है, ज़्यादा नहीं, आधे। बट हाँ, आधे घंटे होने के बाद, टाइमलाइन वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको करना ही है, यानी कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 15 दिन के बाद से आधा आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करना है। आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि ये केवल बकवास है, इसे करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर जो इसके करने से कुछ भी नहीं होगा तो ऐसा क्या प्रूफ है कि कुछ नहीं होगा? कुछ तो होगा, फर्क नहीं पड़ता कि सुपर पावर आपको मिले या ना मिले, क्योंकि मैं खुद नहीं कभी किया हूँ तो मैं क्या बताऊँ। बट जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर, जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कुछ एनर्जी, कुछ अलग डायमेंशन, वो सभी चीज़ें भी फील करना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यानी कि वो फील करना भी बहुत बड़ी बात है, बट इतना आसान नहीं होता सब कुछ। आप वो सुपर पावर पाना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र में से सुई को फेंक करके बिना किसी मैग्नेट के जरिए, अपने हाथों के जरिए उसे ढूंढना, सुपर पावर इतना ज़्यादा पाना मुश्किल है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है, बट लोगों के डिमांड पर वीडियो बनते हैं। आप चाहते हैं तो इधर वीडियो बनता है, और मैं भी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसमें भी मेरा फ़ायदा है, क्योंकि जो दुनिया में चल रहा है उसे भी बताना तो ज़रूरी है ना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लोग बड़े से बड़े थ्योरी को बोल देते हैं कि हाँ ये प्रूफ है, अपनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है, इंसान उसको मान लेता है, बल्कि वो तो एक बस थ्योरी है, उसको बस एक काल्पनिक तरीके से बताया गया है। बट जो रियलिटी है, यानी कि मेडिटेशन की एंडिंग, किसी को नहीं पता, जो उस पर कोई बिलीव नहीं करेगा कि हाँ मेडिटेशन करने से ऐसा हो सकता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीचे कमेंट करके बताना, क्या मेडिटेशन करने से सच में कोई सुपर पावर मिलेगी या फिर बस केवल ये सब बकवास है?